हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत। और आज की क्लास में सीखने वाले हैं परचेज वाउचर के बारे में, कि परचेज वाउचर होता क्या है, इसका यूज क्या है और कहां कहां पे किस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो आज की क्लास में सीख करके सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले सभी लोग ध्यान दे, यहाँ पे अभी तक जो भी हम लोग हिसाब किताब कर रहे थे वह पुराना वाला कर रहे थे, ठीक है। लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में अब हम कुछ खरीदने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है परचेज वाउचर, और परचेज वाउचर का शॉर्टकट की हुआ है EF9। मतलब जब भी परचेज वाउचर का इस्तेमाल करना है तो हम लोग को वाउचर में आने के बाद से अगर हम EF9 बटन दबाते हैं तो परचेज वाउचर हमारा ओपन हो जाएगा। अब देखिए बताया जा रहा है इसके बारे में कि जब हम अपने सप्लायर से गुड्स सर्विस खरीदते हैं तो उसकी एंट्री परचेज वाउचर में करते हैं। मतलब जब भी कोई गुड्स या कोई सर्विस हम खरीदेंगे, और जाहिर सी बात है किसे खरीदते हैं जी, किसे खरीदते हैं जी, अपने सप्लायर से। तो यही बोला गया है कि जब हम अपने सप्लायर से गुड्स और सर्विस खरीदते हैं तो उसकी एंट्री परचेज वाउचर में करते हैं। और यह गुड्स चाहे कैश परचेज किया जाए या फिर उधार, दोनों ही कंडीशन में हमें उसकी एंट्री परचेज वाउचर में करनी होती है। मतलब अगर हम जो परचेज कर रहे हैं, अब चाहे नगद परचेज करें चाहे उधार परचेज करें, दोनों ही कंडीशन में किसमें रिकॉर्ड करेंगे, परचेज वाउचर में। मतलब परचेज वाउचर का हम बहुत क्वेश्चन पढ़ाए आप, जनरल वाउचर, जनरल एंट्री करना, ठीक है। लेकिन वैसे तो मैं मैनुअली बता दिया था सबको एक एक जगह, लेकिन अब थोड़ा हम और सिस्टमेटिक तरीके से सीखने वाले हैं, एक वाउचर का इस्तेमाल करके सीखने वाले हैं। लेकिन ये कंडीशन पहले ही बताया था, जब भी हम कोई गुड्स या सर्विस खरीदते हैं तो किससे खरीदते हैं, सप्लायर से। और सप्लायर से जो गुड्स खरीदेंगे वो नगद भी खरीद सकते हैं और उधार भी खरीद सकते हैं, ठीक है। चाहे नगद खरीदो चाहे उधार खरीदो, दोनों ही कंडीशन में कहां पे रिकॉर्ड होगा, परचेज वाउचर। चलिए, लेकिन फिर से देखो अगला पॉइंट बताया जा रहा है कि परचेज वाउचर में एंट्री तीन मोड में की जाती है। मतलब अभी तक सिंगल और डबल पढ़े थे, लेकिन अब परचेज वाउचर में तीन मोड मिलेंगे हम। मतलब ट्रांजेक्शन जैसा रहेगा वैसा मोड का इस्तेमाल करेंगे। तो देखो सबसे पहला दिया है आइटम इनवाइस मोड, दूसरा दिया है अकाउंटिंग इनवाइस मोड, और तीसरा दिया है एज वाउचर। मतलब परचेज वाउचर का, जब परचेज वाउचर को ओपन करेंगे और कंट्रोल प्लस एच दबाएंगे तो तीन मोड दिखाई देगा। अभी तक पेमेंट वाउचर में दो सिंगल डबल दिख रहा था, यहाँ पे तीन मोड दिखाई देगा। एक का नाम होगा आइटम इनवाइस मोड, दूसरे का अकाउंटिंग इनवाइस मोड, और तीसरे का एज वाउचर। ठीक है, चलिए तब देखते हैं। तो सबसे पहला आज के क्लास में लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले एज वाउचर के बारे में, किसके बारे में, एज वाउचर के बारे में। चलिए एज वाउचर का प्रयोग करके देखते हैं और कब करते हैं इसके बारे में समझते हैं। देखिए यहाँ इसके बारे में बताया गया, समझाया गया कि इस मोड का प्रयोग ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिसमें इन्वेंटरी मतलब गुड्स रिकॉर्ड न करना। ध्यान देना, इस मोड का प्रयोग ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिसमें गुड्स रिकॉर्ड न करना। अब इसका मतलब क्या है, देखो फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई बिजनेस है और हम किसी से कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात परचेज किससे करेंगे, सप्लायर से। तो ये बोला गया है कि अगर हम जो परचेज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है
अब 100 रुपए का परचेज करें या 1,000 का करें या 10,000 का करें, ठीक है, जब परचेज कर रहा है तो कोई ना कोई उसका वैल्यू होगा, और या तो कोई गुड्स खरीदेंगे या तो सर्विस। तो बोला जाता है कि जब भी आप परचेज कर रहे हो और वहां पे आपको यह ना बताना हो कि आप कौन सा सर्विस खरीद रहे हो और कौन सा गुड्स खरीद रहे हो, बस इतना बताना हो कि परचेज किया नगद या उधार। ध्यान देना, परचेज तो कर रहा हूं, अब गुड्स कर रहा हूं, सर्विस कर रहा हूं, ठीक है, इसमें से कोई भी अगर कर रहा हूं तो इसके लिए अलग अलग बनाया गया, ठीक है, अलग अलग रिकॉर्ड देने के लिए। लेकिन गुड्स खरीदे या सर्विस खरीदे और वहां पे लग रहा है क्या, वहां पे उसका जिक्र नहीं करना है, बताना नहीं उसके बारे में, इन्वेंटरी रिकॉर्ड नहीं देने कि कीबोर्ड कितना खरीदा, माउस कितना खरीदा, ठीक है, रिमोट कितना खरीदा, ठीक है, प्रोजेक्टर कितना खरीदा, बस यह बताना हो कि 10,000 का खरीदा कि 20 का खरीदा कि 1,00,000 का खरीदा। तो ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, एज वाउचर। यही बोला गया जिसमें इन्वेंट्री गुड्स से रिलेटेड रिकॉर्ड न करना हो, मतलब इन्वेंट्री मतलब बताया था ना क्या, स्टॉक, और जिसमें स्टॉक का डिटेल ना देना हो और केवल खरीद दिखाना हो तो हमेशा क्या इस्तेमाल करेंगे, एज वाउचर, ठीक है। चलिए इसी पे क्वेश्चन दिया है, कौन सा क्वेश्चन दिया है इसको समझते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा गया है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 परचेज गुड्स, अब कौन सा गुड्स खरीद रहे बता रहा है क्या, बोलो, नहीं बता रहा ना, इसीलिए परचेज गुड्स फॉर ₹20,000 ऑन कैश विद इनवॉइस नंबर 01, मतलब 2 अप्रैल को हम गुड्स परचेज कर रहे हैं। अब क्या क्या परचेज कर रहे हैं यह जिक्र किया नहीं गया है, यह बताया नहीं गया है, बस इतना बताया जा रहा है कितने का खरीद रहा हूं, बोलो हमारा व्यापार कितने का खरीद रहा है, 20 का, नगद या उधार, नगद। तो जिससे खरीद रहा वो इनवाइस नंबर देगा, एक बिल नंबर देगा, उसी बिल का नंबर क्या नाम है, 01। तो हम लोग जब चढ़ाएंगे इसको तो वही पूछेगा सप्लायर इनवाइस नंबर या सप्लायर बिल नंबर, तो वही भी देंगे 01, मतलब इस बिल के अगेन 20,000 रुपए का खरीदा था हमने, किस डेट को, 2 अप्रैल, समझ बात है ना। चलिए इसको हम बनाते हैं, सॉल्व करते हैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। कहाँ है इसके लिए जी, बाउचर में, बहुत अच्छा, बाउचर के बाद अपना है। अब देखो कोई ना कोई मोड ओपन हुआ है, ठीक है, तो आप लोगों को भी पता नहीं होगा कौन सा मोड है, या आइटम इनवाइस मोड है, ठीक है। देखो लिखा ना नेम ऑफ आइटम, आइटम का जिक्र करने के लिए बोला जा रहा है,
तो हम कंट्रोल एच कर देंगे तो देखो तीनों दिखाया गया, आइटम इनवाइस मोड, अकाउंटिंग इनवाइस, एज वाउचर। तो किसका इस्तेमाल करना है? बस तो यहाँ पे लेंगे एज वाउचर। अब देखो तुरंत यहाँ पे पूछा जाता है सप्लायर इनवाइस नंबर, तो आप बताओ सप्लायर नंबर को क्या इनवाइस नंबर दिया है? बस 01 कर देंगे। किस डेट का है? दो तो हो सकता है, लिख भी सकते हैं 2-4, लेकिन देखो यहाँ पे एक ही अप्रैल ले रहा है। चलो हर जगह एक्सेप्ट नहीं कर। चलिए आप बताइए, हम खरीद रहे हैं ना जी, नगद खरीद रहे हैं उधार नगद, तो आप बताओ जब नगद माल खरीदते हैं तो क्या बनता है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो क्रेडिट क्या होगा? कैश, इसीलिए कैश को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। कितने रुपए से? 20,000। एक बार सुन लो, जब हम कैश लिए ना, देखो ये इंटरफेस आ रहा है, ठीक है, रिसीप्ट डॉक्यूमेंट नंबर, डिस्पैच थ्रू, कहां से डिस्पैच किया जा रहा है, डेस्टिनेशन क्या है, ठीक है, एजेंट नेम क्या है, बिल फॉर्म लोडिंग क्या है, व्हीकल नंबर क्या है, तभी कुछ देना नहीं है हमको। आगे बताऊंगा क्या होता है, बस इंटर रीडर दबा के एक्सेप्ट कर लेना। ये पार्टी डिटेल बता रहा है, ये पार्टी डिटेल तो समझ में आ रहा है कि सप्लायर बिल फॉर्म क्या है, कैश, एड्रेस तो मैंने मेंशन किया नहीं है, स्टेट यूपी, ठीक है, उसके बाद से अनरजिस्टर्ड डीलर है, कुछ करना नहीं है, एक्सेप्ट कर लेना। तो आप बताओ कितना कैश पड़ा हुआ है? 23,58,445। कितने का माल खरीद ले रहे हैं? पैसा घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। 23,38,000। क्लियर है? चलो डेबिट किसको करना है? परचेज को। तो यहाँ पे अल्ट सी और यहां बनाएंगे परचेज लोकल। आपको सर क्यों लोकल? क्योंकि अब हम ट्रांजेक्शन थोड़ा सा और सिस्टमेटिक तरीके से सीखने वाले हैं, मतलब जितने हमारे स्टेट में ट्रांजेक्शन परचेज करूंगा तो वहां पर क्या लूंगा? परचेज लोकल। और जब अदर स्टेट में रखूंगा तो वहां पर रखूंगा परचेज इंटरेस्ट, समझे? इसलिए आप परचेज लोकल बना रहे हैं। अब कह रहा परचेज लोकल का अंडर ग्रुप क्या है? तो परचेज का परचेज ही अंडर ग्रुप रहता है, परचेज का परचेज ही अंडर ग्रुप रहता है, इसलिए क्या लेंगे? परचेज अकाउंट्स इंटर। करा टाइप्स ऑफ लेजर क्या है? डिस्काउंट या इनवाइस, राउंडिंग या नॉट एप्लीकेबल? थोड़ा नॉट एप्लीकेबल, ना डिस्काउंट है ना कोई राउंडिंग। अब करा जीएसटी एप्लीकेबल? जी एप्लीकेबल। क्यों? क्योंकि अब परचेज वाउचर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोई सामान खरीदेंगे तो वहां पर जीएसटी देंगे और बेचेंगे तो लेंगे, तो अभी तक नॉट एप्लीकेबल हम सब हमेशा करवाए थे, आज एप्लीकेबल क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि परचेज करते समय हम लोग जो कोई गुड्स खरीदेंगे, सर्विस खरीदेंगे, तो टैक्स हमको देना पड़ेगा, और जब तक यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं करेंगे ना, तब तक हमारे टैली सॉफ्टवेयर में जीएसटी उठाएगा ही नहीं, और जब जीएसटी उठाएगा नहीं, टैक्स कैलकुलेट नहीं करेगा, तो आगे हम क्वेश्चन नहीं बढ़ा सकते, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, इसीलिए यहाँ पे क्या लेंगे? जीएसटी एप्लीकेबल। यस एप्लीकेबल। कर स्टेट अल्टर जीएसटी डिटेल, तो यहाँ पे यस नहीं करेंगे। कहोगे सर क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आइटम में हमने भर दिया पहले 18-12 जहां पे जितना था। कब? जब आइटम क्रिएट किया था, तब कब किया था? पिछले क्लासेस में 3,20,000 का याद है, 18%, ठीक है, तो इसीलिए पर्चे में नहीं भरेंगे, नहीं तो पर्चे में भर देंगे तो दिक्कत क्या होगी? 5% वाला पर्चेज अलग बनाएंगे, 10% वाला अलग बनाएंगे, ठीक है, 12% वाला अलग, 28% वाला अलग, 3% वाला अलग, 18% वाला अलग, बताओ तो परचेज के लेजर में बनाते रह जाएंगे, इसीलिए हमेशा आइटम में भरेंगे, परचेज का एक बना लेंगे, जितने हमारे आइटम आएंगे आइटम में जो रहेगा वह उठा लेंगे, ठीक है, चाहे 28 हो, चाहे 18 हो, चाहे 12 हो, 28 होगा तो 28 उठाएगा, 12 होगा तो 12 उठाएगा, अगर इसमें भर देते तो कोई एक ही उठाएगा, या तो 18 है तो 12 है तो 5, इसलिए यहाँ 9 रहने देंगे। फिर से पूछा जाता है टाइप्स ऑफ सप्लाई, क्या सप्लाई कर रहे हो, गुड्स या सर्विस? गुड्स, इसीलिए क्या करेंगे यहाँ पे? गुड्स ले लेंगे, ठीक है, अब कुछ नहीं करेंगे, इंटर एक्सेप्ट। कर नेम ऑफ आइटम, तो सर आइटम का कोई जिक्र नहीं कर रहा है, इसलिए इंटर आ गया। देखो पर्चे लोकल डेबिट हो गया कितने हजार से?
बस इंटर एक्सेप्ट, या लिखना तो लिख सकते हो बीइंग परचेज गुड्स पर कैश, ठीक है, या वैसे बस यहाँ पे जात नहीं बनता है, नहीं बनता है जी, जात जनरल नहीं बनता। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये सलूशन दिया, कहाँ कहाँ जाओगे, क्या लोगे, हो जाएगा ना, बोलिए। चलिए तो सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं। सेकंड नंबर देखो क्वेश्चन क्या दिया है, बताया जा रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2021 परचे गुड्स फॉर ₹30,000 ऑन कैश फ्रॉम रमेश ट्रेडर्स, और रमेश ट्रेडर्स कहाँ के हैं, ट्रांसपोर्ट नगर, कहाँ पढ़ रहा हूँ ना, उसी नगर, और जीएसटी नंबर दिया इस किसका, रमेश ट्रेडर्स का, और रमेश ट्रेडर्स जो इनवाइस नंबर इशू किए क्या है, 02। इतना क्लियर है, आप बताओ हम नगद माल खरीद रहे इस बार भी, आप बताओ क्या बनेगा इसका सलूशन, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्या इस व्यक्ति का नाम लिखेंगे, नहीं लिखेंगे ना, ठीक है, लेकिन यह दिया है, क्यों दिया है, इसलिए दिया है कि अगर इनके से अगर कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि जो 30,000 नगद माल खरीदे थे ना वो किससे खरीदे थे, थोड़ा हमको बता दो तो अगर वहां पे डिटेल नहीं दिए है तो हम बता नहीं पाएंगे, इसीलिए जो लिखा है सप्लायर भी फ्रॉम अभी आ रहा था वही पे बता देंगे रमेश ट्रेडर, मतलब क्रेडिट करेंगे कैश अकाउंट, लेकिन जब डिटेल पूछेगा तो बता देंगे रमेश ट्रेडर, मतलब नगद माल खरीदा था किससे खरीदा था, उस सप्लायर का नाम था रमेश ट्रेडर, आपको उधर पहले बता देते तो क्या होता, तो पहले बताते तो नगद भी खरीद लिया उधार भी दिखता, इसीलिए हम कैश दिखाएंगे नाम नहीं दिखाएंगे, तो यहाँ पे जो सोल्यूशन बना दिया थोड़ा गलती हो गया, जो बनाने वाले ना इन्होंने क्या किया है यहाँ पे गलती से गलत बना दिया, देखो लेगा रमेश स्टेटस को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया है, अब दिक्कत क्या हुआ होगा, अब इनको क्रेडिट किया गया है तो ये पैसा कहेंगे हमको दो, हमारे खाते में पैसा दिखाएगा कितना रुपया, 30,000, कब तक दिखाएगा, जब तक 30,000 से डेबिट ना हो जाए तब बैलेंस क्या होगा, 0 होगा, और हम नगद भी पैसा दे दिए थे, इसीलिए यहाँ पे यह गलती से लिख दिया गया है, यह नहीं रहेगा यहाँ पे, क्या रहेगा, कैश रहेगा, परेशान मत होइएगा नहीं तो मिलाने लगेंगे, कहिएगा सर जी क्या स्क्रीनशॉट, ऐसे हमारा भी आना चाहिए, तो चलो करके देखें, चलो तो पहले लेजर बनाना पड़ेगा ना, किसका किसका लेजर, रमेश ट्रेडर्स का, क्यों जरूरी है, तो आ जाता हूं क्रिएट में, लेजर में, और रमेश ट्रेडर्स, अब बताओ रमेश ट्रेडर्स हमारे क्या है, सप्लायर को क्या करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर, कर मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, बोलो यस, एड्रेस बोलो, ये ट्रांसपोर्ट नगर, UPI है इनका पिन कोड नंबर है तो मान लो 43 ही होगा, हाँ वही 27 47,
मोबाइल नंबर मालूम पता है इनका, डाल देते मोबाइल नंबर। प्रोवाइड कॉन्टेक्ट डिटेल है यार, आने तो प्रोवाइड बैंक डिटेल, अगर बैंक डिटेल हो तो भी डाल सकते हैं, अभी कोई पता नहीं है। पिन नंबर, हाँ पिन नंबर है आपको, चोरी कहाँ है? हाँ क्योंकि मैंने बताया था जो पिन नंबर की जो होता है ना, इसी के बेस पे क्या बनता है, तो 09 छोड़ के जो ये 10 अंक है ये क्या है, ये पिन कार्ड नंबर है, यही पे डाल दे। अभी इसमें पूरा डिटेल बता दिया ना इस बार कि कहाँ कहाँ क्या भरेंगे, उसके बाद क्या है रजिस्ट्रेशन टाइप इनका क्या है, मतलब जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन कराए हैं रेगुलर है या कंपोजिशन है या कंज्यूमर है या अनरजिस्टर्ड है या नॉट। तो देखो ध्यान देना, कंपोजिशन और रेगुलर के बारे में बता दिया हूँ, बोलो और यह क्या होता है अनरजिस्टर्ड, मतलब कोई व्यापारी है बिजनेसमैन है लेकिन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन उसका नहीं, उसे क्या बोलेंगे, अनरजिस्टर्ड। और कंज्यूमर वो कोई व्यापारी नहीं है, एक आम कस्टमर है जो केवल माल खरीदता है और खा लेता है, कंज्यूम कर लेता है, इस्तेमाल कर लेता है, इसीलिए क्या लेंगे यहाँ पे कंज्यूमर। चारों का तरीका अलग है, देखेंगे रजिस्ट्रेशन कराया है तो रेगुलर में या कंपोजिशन में। अब कहो सर कैसे डिसाइड करेंगे कंपोजिशन या रेगुलर, तो पूछ लेना कि किसमें हुआ है, ये व्यापार करो तो जान लोगे, ठीक है, तो दोनों में से कोई सेलेक्ट कर लेंगे, अगर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो अनरजिस्टर्ड, अगर आम कोई कस्टमर है तो कंज्यूमर। तो क्या है यह रजिस्ट्रेशन है इनका, अब मैं जानता हूँ रेगुलर में इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, इसलिए क्या लूंगा रेगुलर, तब कहेगा जीएसटी नंबर बता दो तब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी है इनका 15 अंक लाके पेस्ट कर दे, क्लियर है, फिर से यहाँ पे इंटर दबाएंगे, फिर से देखो लिखा है यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, मतलब अगर इस पे भी अगर यस कर दोगे तो यहाँ पे भी आपको सेट करना पड़ेगा 12% या 18%, कोई जरूरी है सप्लायर से जो हम खरीदेंगे तो 12% वाला ही सामान खरीदेंगे, 18% वाला भी खरीद सकते हैं, मतलब यह ऑप्शन इसलिए दिया है कि कोई ऐसा व्यापारी है ऐसा बिजनेस है जहाँ फिक्स परसेंट है, मतलब केवल कपड़े का दुकानदार है केवल 12% लगता है, अब ना 18 आएगा ना 5 आएगा, तो उसके लिए अच्छा है, जितने कस्टमर आएंगे कपड़े की दुकान पे हम खरीदेंगे कपड़ा तो जाहिर सी बात है सबका होगा 12% ही, तो यहाँ पे यस कर देंगे तो फायदा क्या होगा, आइटम पे बार बार भरना नहीं पड़ेगा। हाँ चाहे तुम सप्लायर का नंबर है क्या नहीं दिया कोई बात नहीं, दो चार ठो डाल देना इसे 10 ठो, मतलब जिससे माल खरीदे मोबाइल नंबर मांगेंगे ना, ठीक है, तो वही मोबाइल नंबर मैंने मेंशन कर दिया, क्लियर है, बोलो तो हमें जो याद है वो टाइप कर दिए, तुम लोग मत टाइप कर देना छोड़ देना, कह रहा ओपनिंग बैलेंस है क्या उनका कोई, मतलब पुराना कोई हिसाब किताब है पिछले साल का, चलो तो नहीं नया कस्टमर है हमारा, ठीक है नया सप्लायर हमारा, मतलब जो भी हो ठीक है, तो पिछले साल का कोई हिसाब किताब नहीं, क्योंकि पिछले साल का हिसाब था कंप्लीट, जितना था लेना था देना था सब हो गया, अब ये नए सिरे से काम कर रहा है, इस साल काम कर रहा है, इसीलिए इंटर दबाएंगे और क्या करेंगे एक्सेप्ट करेंगे, अब बैक आएंगे, अब आ जाएंगे कहां पे वाउचर में और बिल नंबर 02 इंटर, डेट तो एक ही लेगा, क्रेडिट किसको करना है कैश को, लेकिन ध्यान देना जब यहाँ पे इंटर बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे जब यहाँ पे इंटर बटन दबा के यहाँ पे नीचे आऊंगा तो यहीं पे लिखा है देखो सप्लायर बिल फ्रॉम, तो जो यहाँ पे कैश उठाया क्या ले लेंगे रमेश ट्रेडर्स, अब कहो तो क्यों लोगे, मतलब जिससे हम आइडेंटिफाई कर सके कि जो नगद माल खरीदा किससे खरीदा रमेश ट्रेडर्स, कहाँ के थे ट्रांसपोर्ट नगर पढ़ रहा हूँ ना उसी नगर, और उत्तर प्रदेश के थे और वह इंडिया के ही थे, और जीएसटी टाइप जो है जो रेगुलर है और जीएसटी नंबर है, क्लियर है, अगर यही कैश ले लेते तो वहां पे कैश नॉन रजिस्टर्ड आ जाता और कोई डिटेल नहीं पता रहता, लेकिन आगे चल के दिक्कत हो सकती थी, तो जब अगर लगे कि नहीं बाबू वहां पे नाम दिया है और कैश भी दिया है तो कैश चढ़ा दो और डिटेल में आप उसको बता दो जिससे आप खरीद रहे हो,
लेकिन वहां पे मत बता देना क्रेडिट डेबिट, पैसा लेना देना पड़ जाए, ठीक है, फर्क वहां पे पड़ना चाहिए। बस अब देखो 23-38 है, फिर से कितने का खरीद ले रहे हैं? 30,000 का। तो आप बताओ 23-38 लगभग 23-8 बच जाएगा ना, घट जाएगा फिर से। देखो 23,08,445 हो गया, काम कर रहा है। चलिए अब परचेज कितने का दिखने लगा, 20-30-50,000 का परचेज कर लिए, अपने आप बनता जा रहा है, ठीक है। बैक आएंगे, इंटर और एक्सेप्ट। अब चलो थोड़ा मैं बैक चलता हूँ, कुछ पॉइंट सिखाने हैं आपको। मैं कहता हूँ कहाँ पे आऊंगा, डे बुक। और डे बुक में आने बाद से देखिए यहाँ पे कंट्रा वाउचर का भी क्वेश्चन दिख रहा है, पेमेंट वाउचर का भी दिख रहा है, रिसिप्ट वाउचर का भी दिख रहा है, और परचेज वाउचर का भी दिख रहा है, दिख रहा है ना। लेकिन इस समय अगर मान लो हम कह दें कि केवल परचेज वाला हमको क्वेश्चन देखना है, तो एक तो तरीका यहाँ पे नीचे आएंगे, ये पहला परचेज वाला है या दूसरा वाला। कोई कह दे केवल रिसिप्ट वाला देखना है, तो यहाँ पे काउंट करेंगे 10 क्वेश्चन है, 10वां, 9वां, 8वां, 7वां ऐसे ओपन करेंगे। पेमेंट वाउचर में 3 क्वेश्चन है और कंट्रा में 3 क्वेश्चन है। मैं सोच रहा हूँ कि जो पार्टिकुलर वाउचर का ट्रांजेक्शन देखना है वही केवल सो, ये सारा जो लिस्ट आया है वो लिस्ट सो न हो, इसके लिए टैली में ऐसा सुविधा दी गई है। बस सिंपल है, क्या दबाइए, ये F4 बटन दबा दीजिए, और जैसे ही F4 बटन दबाएंगे तो पूछेगा नेम ऑफ वाउचर टाइप, किस वाउचर का क्वेश्चन देखना है आपको, तो परचेज वाउचर का। आज जो किया हूं, आज के डेट में कितना किया हूं, 2 किया हूं इंटर, टोटल कितने का 50,000। चलो केवल हम पेमेंट वाउचर वाला देखना चाहते हैं, तो क्या दबाएंगे, बैक आ जाएंगे और F4 बटन, क्या लिखेंगे, टोटल पेमेंट कितना किया, 82,000। क्लियर है? तो अगर बाउचर के हिसाब से क्वेश्चन देखना है, बाउचर टाइप बोलते हैं इसको, शॉर्टकट के लिख लेना F4। और डेट तो आप तो जानते ही हो, डेट के बारे में डिटेल में बता दिया। समारण जी, चलिए अब आता हूं यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद से देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया है, ठीक है। वो हमारा दिया है कौन सा, आइटम इनवाइस मोड, मतलब आइटम इनवाइस मोड से नाम से पता चल रहा है यहाँ पे आइटम का जिक्र किया जाएगा, कौन सा आइटम खरीदा था, रेट क्या था, कितना पीस खरीदा था, सारा डिटेल देना होगा। देखो बताया जा रहा है कि इस मोड में हम इन्वेंट्री डिटेल, जैसे स्टॉक आइटम का नाम, मतलब कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है, क्या है, ठीक है, क्वांटिटी रेट, मतलब क्वांटिटी कितना पीस, 2 पीस, 4 पीस, 10 पीस, 15 पीस, 20 पीस, कितना रेट, उसका प्राइस क्या है, और अमाउंट कितने रुपए का, आदि इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। और वाउचर मोड से आइटम इनवॉइस मोड में आने के लिए क्या दबाना होगा, कंट्रोल एच बटन प्रेस करना होगा, सेम वही तरीका है, बस यहाँ पे आइटम का जिक्र किया जा रहा है। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा पढ़ते हैं, लिखा गया है परचेज द फॉलोइंग स्टॉक आइटम फ्रॉम द रमेश ट्रेडर्स, इस बार किससे खरीद रहे हैं, रमेश ट्रेडर्स से, ऑन क्रेडिट मतलब उधार, विथ इनवॉइस नंबर 21 और गुड्स स्टोर एट वेयर हाउस, मतलब हम रमेश ट्रेडर से उधार माल खरीद रहे हैं और रमेश ट्रेडर्स ने जो हमको नंबर दिया है, इनवॉइस नंबर क्या दिया है, 21, और इस गुड्स को खरीदने के बाद जो रख रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, वह कहां पर रख रहे हैं, वेयर हाउस। वेयर हाउस क्या है, गोडाउन है, ठीक है ना, जहां पे माल रख रहे हैं खरीद के, समझे। अब बताओ कहीं काम करने जाओगे तो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, नहीं बस वहां पर रहेगा बाबू रमेश से माल खरीदा था और ला के छावनी वाले गोडाउन में रख दो, ठीक है। तो बिल चढ़ाते समय आपको क्या करना होगा, उसको किस में रखना होगा, छावनी में। अब ऐसे हम किस में रख रहे हैं, वेयर हाउस, तो वहां पे जैसे जहां पे
रहेंगे काम करेंगे वहां पे रख लेंगे, सिंपल हमारे यहाँ वेयर हाउस में रखा जा रहा है, वेयर हाउस ले लिए, ठीक है, अदर कहीं गोडाउन में रखा जाएगा गोडाउन का नाम लिख देंगे। बोलो क्लियर है? चलिए क्या खरीद रहे हैं, तो देखो सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस कितना पीस, 2 पीस, अरे 21,000 टोटल इतने रुपए का खरीद रहे हैं। सोनी एमडीआर ईयरफोन खरीद रहे हैं कितना पीस, कितने का रेट है टोटल कितने का, लेकिन ध्यान देना इस पे टैक्स भी है, कितना कितना परसेंट, 18% पहले से हमको पता है। चलिए तो इसके लिए हमको दो और लेजर बनाना पड़ेगा, किसका किसका, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। आपको सर क्यों, क्योंकि इसी से तो पता चलेगा सेंट्रल टैक्स के खाते में कितना जाएगा और स्टेट टैक्स के खाते में कितना जाएगा। तो चलो ये तो हम पहले से बना चुके हैं सैमसंग गैलेक्सी और सोनी एमडीआर का, हाँ जब क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री किए थे, मतलब उतना पड़ा था और 2 पीस और खरीद लिए इस साल और 3 पीस और खरीद लिए, टोटल 5 पीस और बढ़ गया। पाले का था ये बेचा नहीं है लेकिन और मंगवा लिया, क्यों, क्योंकि जानता हूँ सीजन हमारा स्टार्ट हो गया, अब बहुत बिकेगा तो कौन बार बार मंगवाएगा, जो पुराना है रहने दो और नया मंगवा लेते, तो जितना पैसा आया तो मंगवा लिए थे, 3-2-5 पीस मंगवाए थे, ठीक है, क्या कौन कितना पीस, चलो बढ़ते हैं। तो दो बनेगा, एक सेंट्रल टैक्स का और दूसरा, तो चलो फिर से हमको लेजर बनाना पड़ेगा, कहाँ आएंगे, क्रिएट में और उसके बाद, और लिखेंगे यहाँ पे सेंट्रल टैक्स। अब सेंट्रल टैक्स का अंडर ग्रुप क्या रहेगा बोलिए, हमने बताया था जितने टैक्स रिलेटेड आए उनका ग्रुप रहेगा ड्यूटी एंड टैक्सेस, तो ये हमारा सेंट्रल टैक्स है ना जी, तो टैक्स इसीलिए क्या रखेंगे, ड्यूटी एंड टैक्सेस, मतलब इतना समझो माइंड में सेट कर लेना, आज के बाद से कोई टैक्स रिलेटेड कोई लेजर बनाएंगे। अब टैक्स है, जैसे मान लो हमारा हो सकता है क्या, वैट हो सकता है, बोलो पढ़ाया था हमने, CST हो सकता है, उसकी एक्साइज हो सकता है, TDS हो सकता है, ये जब लेजर बनाएंगे तो क्या होगा, अंडर ग्रुप ड्यूटी एंड टैक्सेस, हो गया। अब कर रहा टाइप ऑफ टैक्स, ड्यूटी टैक्स हमने बोला क्या है, GST है। कर रहा टैक्स टाइप, मतलब सेंट्रल टैक्स ऊपर लिखे हो लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ क्या है वो, हमको बताओ इसमें से क्या है। अब वहां पे कॉक हो जो भी लिख दोगे वो सेंट्रल ही मानेगा, जो यहाँ बता देगा, तुमने क्या बताना हमको, सर जो ऊपर लिखा है वो सेंट्रल टैक्स, इसीलिए आइडेंटिफाई क्या कर दिया इससे सेंट्रल टैक्स, क्योंकि यहाँ पे भी लिखा है कि परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, मतलब जो सेंट्रल टैक्स को कितने परसेंट ऑफ कैलकुलेशन करे, तो उन्होंने सर जी यहाँ पे नहीं देंगे क्योंकि जितना आइटम होगा वही कैलकुलेशन कर, हर जगह पूछा है, ठीक है, लेकिन हमको एक ही जगह से बस इस्तेमाल करना, कहाँ से, बस स्टॉक आइटम से हर जगह उठा लेगा जहां पे काम करोगे, इसीलिए क्या करेंगे यहाँ पे जीरो ही रहने देंगे। और अगला है राउंडिंग मेथड, तो यहाँ पे प्रेजेंट में राउंडिंग क्या होता है आगे पढ़ाऊंगा, बस आज समझो नॉट एप्लीकेबल कर दो। और इंटर एक्सेप्ट, और दूसरा बनाएंगे क्या, स्टेट टैक्स, अंडर ग्रुप ड्यूटी एंड टैक्सेस, क्या रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या रहेगा, स्टेट टैक्स, बस सेव कर लेंगे। अब एक क्यों छोड़े वो भी बना लेते हैं, क्या, इंटीग्रेटेड टैक्स, IGST क्या है यहाँ पे, इसमें इंटीग्रेटेड टैक्स हो गया, इंटर टैक्स। अब बैक आएंगे, अब क्या करेंगे, वाउचर, सप्लायर वाइज नंबर क्या है, 21। चलो यहाँ पे मोड चेंज कर देंगे, कंट्रोल यस,
क्या लेंगे? आइटम इनवॉइस, समझे? अब देखो इंटरफेस चेंज हो गया, सप्लायर नंबर 21, अब कह रहा पार्टी अकाउंट नेम, मतलब किस पार्टी से माल खरीद रहे हो बताओ, हमने बोला रमेश ट्रेडर्स, आ गया इंटर, अब रमेश का सब डिटेल आएगा, अब कहेगा रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, तुमने बोला नहीं पता है, डेट नहीं पता है, डिस्पैच कहाँ से किया जा रहा है, कहाँ पे किया जा रहा है वो लिख सकते हैं, डेस्टिनेशन क्या है, मतलब एजेंट किस एजेंट के थ्रू ये माल आप खरीद रहे हो वो लिख सकते हो, बिल ऑफ लोडिंग नंबर डेट बता दो, और किस गाड़ी से जा रहा है आ रहा है वो गाड़ी का नंबर बता दो, तो कुछ नहीं बताना है अभी, नॉर्मल हमको सीखना बस, इंटर 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 इंटर, और कहेगा परचेज लेजर, तो आप बताओ दो होता है एक लोकल और एक इंटर स्टेट, तो आप बताओ रमेश हमारे यहाँ के अदर स्टेट के हैं, हमारे स्टेट के हैं बोलो, इसलिए आप क्या लेंगे लोकल, अगर दूसरे स्टेट कराते तो हाँ, तो यही बात फिर बार बार नहीं बनाऊंगा, आज ही बना देता हूँ, परचेज इंटर स्टेट अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट टाइप्स ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबल, गुड्स एंड सर्विस बस, तो अभी तो इंटर स्टेट लेना नहीं है, तो देखो दोनों आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे, लोकल और इंटर स्टेट, तो जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे ना तो हमारे सामने ऐसा ही दिखाई देगा, तो बताओ रमेश स्टेट हमारे यहाँ के है ना, इसलिए क्या लेंगे लोकल या इंटर स्टेट, लोकल, मतलब अभी तक कितने का खरीद चुका हूँ 50,000, और भी खरीदने जा रहा हूं, तो पाला क्या खरीदने वाला हूं, तो देखो यहाँ पे लिखूंगा यस ए, आ गया सैमसंग गैलेक्सी, कितना पीस पड़ा हुआ मेरे पास 2 पीस, कितना और खरीद रहा हूँ, कितना हो जाएगा जी, सुन आ रहा है, चलिए अब यही पूछ रहा लोकेशन, मतलब ये सामान खरीदो तो कहाँ पर रख रहे हो इसको, तो यहाँ पे देखो कितना है पाले से 2, कहाँ पे है 100 पे, मतलब मेन जो हमारा दुकान उसमें 2 पीस पड़ा हुआ है भाई, बिका नहीं है, क्या मतलब फिर से लेके जाने का, पहले वेयर हाउस में रख लो, गोडाउन में रख लो, जो कम ही पड़ेगा फिर से भिजवा लेंगे, इसीलिए यहाँ पे क्या लिया हमने वेयर हाउस, कितना पीस 2 पीस, रेट क्या है 21,000 आ गया अपने आप, मतलब पिछले साल का भी 21,000 में खरीदा था और इस साल का भी कितने का है 21,000, अगर इस साल बढ़ गया होता तो क्या चेंज करते 22,000 जो भी होता चेंज करते, लेकिन बढ़ा तो नहीं है सेम है, इसलिए क्या करते हैं हम, आपको तो कैसे पता चला बढ़ा नहीं है, क्योंकि देखो इस साल खरीद रहे तो देखो क्या रेट है 21,000, इसीलिए यहाँ पे 21,000 ही रहने देंगे, लेकिन देखो हेडफोन इतना चलाते हो आप दो ईयरफोन, उसका रेट बढ़ गया है, पिछले साल तो 1,000, इस साल 1,200 हो गया, ये तुम लोग चलते हो, देखिए इतना खरीदते हो, चलिए यहाँ पे आते हैं, और अगला क्या है सोनी, देखो कितना पीस पड़ा हुआ है 7 पीस, कहाँ पे पड़ा हुआ है 100 पीस, कहाँ पर रख रहे हैं वेयर हाउस में, कितना क्वांटिटी 3 पीस, तो पिछले साल का रेट क्या है 1,000, लेकिन हमारा इस साल का रेट क्या है कितने यार 1,200, तो 1,000 हटा के क्या लिखेंगे आप 1,200, तो अमाउंट मैच करेगा, लेकिन ध्यान देना क्वेश्चन जो बनाया ना वहां पे वो 1,000 बना दिया है, देख लो उसको भी सही कर लेना आप, देखो उसका सलूशन दिया 1,200 नहीं होगा 1,000 होगा, नीचे सलूशन में देखो इसमें 1,200 है, लेकिन नीचे क्वेश्चन जब तुमको क्वेश्चन मिलाते हैं ना कि किया है तो वो कैसा किया है, इसके लिए पहले बता दे रहे हैं, अरे बिल में जाओ आगे उसका स्क्रीनशॉट होगा, देख लो रेट लिया होगा 1,000, इसके लिए वहां पे जीएसटी अलग होगा, हमारा जीएसटी अलग होगा, समझे? चलो छोड़ दो मत, देखो यहाँ देखो देखो जब नीचे आएंगे हम यहाँ पे गधे हो तुम लोग क्या करें हम, यहाँ पे देखो रेट क्या रखा गया यहाँ पे 1,000 और हम क्या रखेंगे 1,200, तो हमारा इसका अमाउंट मैच करेगा क्या नहीं, इसमें देखो कितना आया 45, ये हमारा 45 आएगा क्या नहीं, बढ़ जाएगा पैसा बोलो, सी मत मिलाने लगना नहीं तो गलत हो जाएगा, तो चलो यहाँ पे आते हैं, हमारा कितना आया 45,600 और इसमें कितना आया था 600 का फर्क पड़ा ना, बोलो 1 पीस पे 2, मतलब 1 पीस पे 200 घट रहा था, 3 पीस पे 600 बढ़ गया,
क्लियर है। चलिए अब बताओ, अब टैक्स इसमें उठाएगा, अपने आप उठा लेता है कितना कितना, हमको जोड़ना भी नहीं है, आपको यह कैसे। तो चलो मैं दिखा रहा हूं मैनुअली, अगर करोगे तो मेहनत करो तो कितना आएगा। इसके लिए कंट्रोल एन दबाओ, अगर निकालो ऐसे तो 45,600 इंटू 18 डिवाइड बाई 100, तो 8,200 रुपए आ रहा है। मतलब 45,600 पे जो टैक्स दे रहे हैं हम लोग, कितना दे रहे हैं, 8,208 रुपया। अब मान लो दो हिस्सा है लो जी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो अगर 8,208 रुपया डिवाइड बाई 2 करते हैं तो भी कितना आ रहा है एक हिस्सा, 4,104 रुपया, यही ना बोलो। तो हमारा भी यहाँ पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। तो मैं दिखाया इसलिए पहले, देख लो सही आ रहा है कि गलती आ रहा है, ठीक है। तो आता हूं और यहां लिखता हूं सेंट्रल टैक्स, इंटर दबा दूंगा, आगे देखो 4,104 रुपये आया। क्या लिखूं, स्टेट टैक्स आया, बोलो। तो टोटल कितने का खरीद लिया, 45,600 खरीदा, टैक्स दे दिया लगभग 8,000, तो टोटल पैसा कितना हो गया, 53,808 रुपये। तो आप बताओ ये बिल 50,000 से कम है या ज्यादा है, तो ये बिल मांगेगा ना हमेशा जनरेट करने को। अब ये क्या होता है, तो जीएसटी फ्यूचर सिलेबल करना बताए थे, वहां बताए थे कि जब भी 50,000 से ज्यादा का माल खरीदेंगे या बेचेंगे तो वहां पे बार बार पूछेगा ईवे बिल एप्लीकेबल। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो गया है, यस हो गया है, देख लो क्या हो गया है, क्योंकि जो हमारा अमाउंट है वो कितने से ज्यादा है, तो अभी तो ईवे बिल जनरेट करना नहीं है, ये ऑनलाइन करना होता है, इसीलिए इंटर दबाएंगे और यहाँ पे यस इसको क्या कर देंगे, नो कर देंगे और इंटर, और यहाँ पे न्यू रिफरेंस। तो नया रिफरेंस है कि पुराना है, बोलो। अरे नया है, पिछले साल वाला नहीं है और पुराना कोई रिकॉर्ड नहीं है, नया अभी हाल ही में खरीदा, नया जनरेट हो रहा है इनवाइट 2021, तो न्यू रिफरेंस ले लेंगे। तो नया रिफरेंस नंबर क्या आ गया, बोलो 21, यही क्या है बिल नंबर, यही क्या है बिल नंबर है, कौन दिया है भूल गया, सप्लायर दिया है बताओ। चलो इसी से, इसी बिल के अगेंस्ट पैसा देना होगा ना, बस इंटर एक्सेप्ट हो गया। चलो आप तुम लोग परेशान हो गए सर ये इसका प्रिंट कैसे देंगे, तो देखो यहाँ पे इसको तो देते नहीं किसी को, तो हम खुद परचेज कर रहे हैं, ये फिर भी बता दे रहा हूँ, डे बुक में आओगे और आप जब परचेज में आओगे, अभी जो अभी खरीदा हूँ तो देखो ऐसा कुछ बिल निकल के आएगा और ऐसा ही मिलता है आप लोग, आ जाओ कर दो प्रिंट पे क्लिक, करेंट प्रिंट प्रीव्यू, ऐसा निकल के आएगा, देखो ये बिल है बनाया वैसा निकल के आ गया, समाया यही है। देखो लिखा है यहाँ पे इनवाइस और यहाँ पे हमारे ये फर्म का नाम है और ये किसका है, यह सप्लायर का है, दिख रहा ना आपको, और सप्लायर इनवाइस नंबर ये सारा डेट दे रहा है, मतलब हमारा इनवाइस नंबर 3 को तीसरा क्वेश्चन है, तो लिखा है क्या 3, लेकिन जो सप्लायर ने दिया क्या दिया है, ये किसकी डेट का है। चलो यहाँ पे अदर रिफरेंस कुछ दिया नहीं हमने, और क्या क्या खरीद रहे थे सब बताया यहाँ पे, कितना पीस कितने का है टोटल, ऐसे बिल मिल जाते हैं, इसे चढ़ाना पड़ता है, और यहाँ पे किसका साइन होगा, रमेश ट्रेडर्स का, वही तो देंगे तब चढ़ाएंगे। देखो यहाँ पे अमाउंट भी बता रहा है और यहाँ पे देखो वैल्यू और अमाउंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो बैक आते इतना तो करो, तुम तो करके ना परेशान हो जाए, कह लो जीएसटी नहीं उठाएगा,